नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एरियल न्यूज चैनल में। आज तारीख हो चुकी है 16 फरवरी और दिन है मंगलवार। आज के इस एक वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल न भूलिएगा, क्योंकि इसी एक वीडियो में आज हम आपको बताएंगे बंगाल चुनाव से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि विपक्ष की सरकार इन दिनों केंद्र सरकार पर कैसे हावी हो रही है। तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। पश्चिमी बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले खूनी संघर्ष, दल बदल, जुबानी हमलों के बाद अब फूड पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को मां की रसोई योजना शुरू की। इसके तहत 5 रुपए में गरीबों को दोपहर में भरपेट भोजन दिया जाएगा। मेन्यू में दाल चावल और सब्जी के साथ एक अंडा शामिल है। स्कीम का नाम तृणमूल कांग्रेस के नारे माँ माटी और मानुष से लिया गया है। ममता ने कहा कि राज्य सरकार प्रति प्लेट 15 रुपए की सब्सिडी वहन करेगी। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह हर दिन दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच रसोइयों का संचालन करेंगे। धीरे धीरे राज्य में हर जगह ऐसे रसोई घर बनाए जाएंगे। तमिलनाडु में भी इसी तरह अम्मा कैंटीन के नाम से तब की CM जयललिता ने एक योजना शुरू की थी। इससे पहले भाजपा के चुनावी अभियान के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह गरीबों के घर भोजन करते दिख चुके हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने LPG गैस 50 रुपए प्रति सिलेंडर महंगा होने पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि उनकी सरकार में सिर्फ 2 लोगों का ही विकास हो रहा है। कांग्रेस नेता का आरोप है कि जनता को केंद्र सरकार लूट रही है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, जनता से लूट सिर्फ 2 का विकास। पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों के बीच रसोई गैस सिलेंडर के दामों में रविवार को बहुत बड़ा इजाफा हुआ। तेल कंपनियों ने रसोई गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा कर दिया है। बात करें 15 फरवरी सोमवार की, तो सोमवार से दिल्ली में एक गैस सिलेंडर की कीमत 769 रुपए होगी। फरवरी में यह दूसरा मौका है जब रसोई गैस महंगी हुई है। इससे पहले 4 फरवरी को भी गैस सिलेंडर की कीमत 25 रुपए बढ़ाई गई थी। यानी 15 दिनों के अंदर प्रति गैस सिलेंडर 75 रुपए की बढ़ोतरी की जा चुकी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए सोमवार को कहा कि वे अपने भाषणों में जिन महापुरुषों का जिक्र करते हैं उनके विचार मोदी की सोच से बिल्कुल उल्टे थे। साथ ही गहलोत ने पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को जेल भेजे जाने का जिक्र करते हुए कहा कि देश में हालात बहुत गंभीर हैं। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गहलोत ने सदन में कहा कि मोदी बस नाम लेते हैं, जबकि मैं दावे से कह सकता हूं कि इन महापुरुषों के विचार बिल्कुल उल्टे हैं प्रधानमंत्री मोदी के विचारों से। राजस्थान के CM ने कहा, PM नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम नहीं ले रहे, केवल रविंद्रनाथ ठाकुर टैगोर का नाम ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 22 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि की टूलकिट केस में गिरफ्तारी को लेकर केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। ममता ने कहा कि कार्रवाई तो BJP की IT सेल पर होनी चाहिए, जो देश भर में झूठ फैलाने का काम करती है। ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकारी नीतियों का विरोध करने वाले किसी शख्स की गिरफ्तारी करना क्या उचित है। BJP को चाहिए कि वह सबसे पहले अपनी IT सेल के खिलाफ शिकंजा कसे, जो झूठ फैलाने के काम में जुटी है। ये दोहरा मानदंड क्यों अपनाया जा रहा है। बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि BJP की IT सेल के सदस्य तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता होने का ढोंग कर लोगों को फोन कर रहे हैं और उनकी पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं। इस पर उन्होंने कोलकाता पुलिस से ध्यान देने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंदोलनजीवी बयान पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को जोरदार हमला किया। यूपी के बिजनौर में आयोजित किसान महापंचायत में हिस्सा लेने पहुंची प्रियंका ने कहा कि आंदोलन कर रहे किसानों को आंदोलनजीवी कहकर मोदी उनका अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी देशभक्ति और देशद्रोह में फर्क पहचान नहीं पाए। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि सीमा पर खड़े जवान और मोदी जी के अंग रक्षक भी उसी किसान के बेटे हैं जिनका मोदी और हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल मजाक बना रहे हैं।
आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ऐसी और खबरों को सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।